गाइस, क्या आप किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। 100% वर्किंग ट्रिक होगा और एकदम फ्री ट्रिक होगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिक, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास से बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो। तो यहां पे देख सकते हो मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि हम यहां पे आपको लाइव एडिट करके दिखाने वाले हैं। तो यहां पे कुछ सिटी के नाम है और उनका कुछ फ़ोन नंबर है, तो यहां पे हम उन्हीं को कुछ छेड़छाड़ करेंगे, इधर उधर चेंज करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सबको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है smallpdf.com। जैसे आप smallpdf.com ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको चूज करना है पीडीएफ टू वर्ड। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीडीएफ टू वर्ड, तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना चूज फाइल पर क्लिक करके जिस वाले आप पीडीएफ को एडिट करना चाहते हो उसको आपको सबसे पहले वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला मेरा पीडीएफ है तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पीडीएफ अपलोड हो रहा है। तो जैसे ही मेरा पीडीएफ अपलोड हो जाता है फिर हम उसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मेरा पीडीएफ 100% अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू वर्ड पर करना है क्लिक, फिर आपको यहाँ पे चूज ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पे करेंगे क्लिक तो बस आपका पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा वर्ड में। यहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके अपना पीडीएफ जो वर्ड में आपने कन्वर्ट किया उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। अब आपको एक गूगल प्ले स्टोर से पीडीएफ सुसाइड के नाम से एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे ओपन कर लेना है पीडीएफ सुसाइड में। जैसे आप पीडीएफ सुसाइड में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है नीचे में, तो आपको करना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में कर्सर आ चुका है। तो यहाँ पे आप जिस भी चीज़ को एडिट करना चाहते हो बड़ी आराम से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रीजनल लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे रीजन्स हो गया। यहाँ पे आप बेंगलुरु लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप आर हटा दो, यहाँ पे आप टी वाई लिख दो। मतलब कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे एडिट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहते हो तो आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो। मतलब कि आप सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 17 कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 17 भी हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज़ एडिट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और करने के बाद सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेव का आइकन दिख रहा है ऊपर में, तो आपको करना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल सेव हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने अपना फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो मैंने अभी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करके एडिट किया वो दिखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आप DOC सर्च करोगे ऊपर में तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो फाइल जो फाइल को आपने एडिट किया है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट को ओपन कर लेना है। तो ओपन आप कहीं भी कर सकते हो, अगर आपके पास उसका अलग से एप्लीकेशन नहीं है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा .docx के नाम से। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैंने अभी एडिट किया वो दिखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रीजनल को रीजन्स किया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे 16 को 17 किया था, उसके बाद मैं बेंगलुरु को लास्ट में TY लगाया था। तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे दिखने में लगता है। लेकिन गाइस, ये अभी पीडीएफ फाइल नहीं बना है। पीडीएफ में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप सबको फिर से गूगल क्रोम के अंदर आना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ilovepdf.com। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्ड टू पीडीएफ, तो आपको करना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फाइल को कर लेना है सेलेक्ट। जो भी फाइल को आपने एडिट किया था उसको आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च कर लेना है, या फिर आपको आसानी से मिल रही है तो आपको यहाँ पे चूज करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा कन्वर्ट टू पीडीएफ, आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे आपका यहाँ पे जो वर्ड था वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है डाउनलोड। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे बस आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल के अंदर। अब आप देख सकते हो ये पीडीएफ फाइल बन चुका है।
तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक पीडीएफ फाइल को एडिट करके आप सभी को दिखाया। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरीके के पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हो, वो भी बड़ी आसानी में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास से बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इसी तरीके की ट्रिक वाली वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना राय बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।